और अभी बड़ी खबर आ रही है झांसी से। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और हमारे वरिष्ठ संवाददाता मुकेश वर्मा जी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी मुकेश जी, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेके व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया? ये मामला थाना प्रेमनगर क्षेत्र के चारखंबा स्थित न्यू स्टेट बैंक के पास का है, जहाँ पे मोबाइल टावर लगा हुआ है। युवक जो टावर पर चढ़ा हुआ था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये ऐसी हरकत अक्सर करता है। कल रात भी ये हीरापुरा मोहल्ले में एक मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ था और आज दोपहर करीब 1 बजे ये मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उस पर चढ़कर इसने पुलिस को काफी परेशान किया। इसका कहना था कि पुलिस उससे पीछे पड़ी हुई है, उसको खड़ी मुकदमे में जेल भेजने का प्रयास कर रही है और उसका उसका सोचना था, उसकी माँ चली गई है मामा के यहाँ शादी में, उसका ये सोचना था कहीं कहीं ना कहीं पुलिस ने उसकी माँ को बंद तो नहीं कर दिया, इसीलिए वो टावर पर चढ़ गया था। ऊपर से चढ़ के बार बार वो एक ही बात कह रहा था, पहले उसे उसकी माँ से मिलवाया, पहले उसको उसकी माँ से मिलवाओ, जब ही वो टावर से नीचे उतरेगा। लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह पुलिस के बुलाने पर वह टावर से नहीं उतरा। जब पुलिस वहां से छुप गई, पेड़ के नीचे छुप गई, लगा कि पुलिस यहां से चली गई है, तब आसपास के लोगों ने उसे बताया कि भाई पुलिस यहां से चली गई है, तब वो नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और थाने ले गई है। पुलिस का कहना है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है और कई बार इस प्रकार की हरकत कर चुका है। कल रात भी वह एक मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ था, जिसमें पुलिस को 4 घंटे काफी मशक्कत करना पड़ी थी। पूरी रात मशक्कत करने के बाद सुबह इसको मोबाइल टावर से उतारा गया था। जी, तो क्या अभी पुलिस किसी धाराओं में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है या सिर्फ उसको एक चेतावनी देके छोड़ देगी? नहीं, पुलिस ने रात को जब टावर पे चला हुआ था तब उसे चेतावनी देकर सुबह छोड़ दिया था, लेकिन अब पुलिस उसका शांति भंग में चालान करके उसको जेल भेजने का प्रयास कर रही है। तो इसपे इस व्यक्ति के परिजनों का क्या कहना है? व्यक्ति के परिजनों का, इसका एक भाई मौजूद था, जो उसका भाई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और नशे के दोनों भाई आदि हैं। अभी इनकी माँ उपस्थित नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि माँ उन्नाव बालाजी गई हुई है और उसको आने में काफी टाइम लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो ये थे हमारे संवाददाता मुकेश वर्मा, जिन्होंने पूरी जानकारी हमें दी कि किस प्रकार वो व्यक्ति एक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और मोबाइल टावर पर चढ़ा गया और काफी मशक्कत के बाद वो मोबाइल टावर से नीचे उतरा। और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बीके के साथ।